हेलो फ्रेंड, मैं रामिदुल सिंह। नमस्कार सर, सत श्री अकाल, सब है मेरे सारे प्यारे मित्रों को। मेरा YouTube चैनल अभी हमने शुरुआत की है, जिसका नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका नाम है रॉयल UK 18 वाले। और ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू चलेंगे इसी तरह से। ये हमारा सेकंड ब्लॉग है और मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा उत्तराखंड को। आज हम उत्तराखंड के पवनगढ़ रेंज में, जयचोरी रेंज में हैं और कुछ बहुत बेहतरीन दृश्य आपके सामने लेके आऊँगा, जो अब तक हिडन रूप से हिडन है, आप सभी के लिए उनको एक्सप्लोर करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, धन्यवाद। आइए एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड को ऐसी जगहों से जहाँ से आप अब तक परिचित नहीं हैं। आइए सर, ये देखिए, ये पवनगढ़ का, जयचोरी रेंज का एक छोटा सा मतलब वे है पानी जाने का, एक पहाड़ी नदी का पानी जो इस नदी से बहता है। देखिए कितना बेहतरीन जगह है, आप एक कर्व देख रहे हैं, पानी का एक फ्लो है, पानी की क्वालिटी देखिए, बहुत बेहतरीन पानी है। और सुनना के मानिए कि बहुत अल्टीमेट जगह है। और हमारे मित्र जो कैमरामैन जो हमारा हमेशा साथ देते हैं, श्री सुनील कुमार गौड़ जी, आज एक बार फिर आप लोग के साथ में हैं। पहली वीडियो में कुछ हमारे मित्र थे जिससे मैं आपका परिचय नहीं करा पाया, आज मैं उन मित्रों से आपका परिचय कराऊंगा। पहले हमारे मित्र हैं सोनू कुमार जी, आइए उनसे आपको मैं मिलाता हूँ। ये हमारे मित्र हैं सोनू कुमार जी, जी हाय सोनू जी। और ये हमारे मित्र हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। आज हम लोग जयचोरी पवनगढ़ में घूमने के लिए आए थे, साथ हमारे सोनू भाई भी हैं और जो हमारे मित्र हैं उनसे मिलाता हूँ मैं। आइए ये वे देखिए आप, बहुत सुंदर भी है बिल्कुल, जहाँ देखेंगे जंगल जंगल, हर जगह जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत बेहतरीन जगह है उत्तराखंड में। आप लोग नैनीताल आते हैं, देहरादून आते हैं, मसूरी आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आप घूम के आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उन जगहों से मैं आपको उचित परिचित कराऊंगा। आइए सर, हमारे अगले मित्र सर्वेश कुमार जी, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, आइए। हमारे नेक्स्ट मित्र जो पहली वीडियो मिले थे, सर्वेश कुमार सिंह जी, आज हमारे साथ दोबारा फिर, बहुत बेहतरीन आदमी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। सुन, और हमारे जो बड़े भैया हैं श्री रामेंद्र कुमार जी, वो भी हमारे साथ आ जाए हुए हैं, काफ़ी हैंडसम बॉय हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, बड़े भाई तरह ट्रीटमेंट करते हैं, हमेशा हमको दिशा निर्देश देते रहते हैं और बहुत बेहतरीन पर्सन है। आइए सर, आपको कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ मैं। ये आपने देखा, इसके बाद से मेरे बाएं साइड भी देखिए, कुछ सेमल के पेड़ भी हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बन रहा है ये भी तो दिखाएगा ना। ये देखिए आप बाएं साइड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे सुनील भाई बहुत दिखाएंगे कैमरे को वॉच करके, जूम करेंगे हल्का सा, कहाँ बन रहा है, बहुत बेहतरीन पेड़ है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नीचे देखिए हल्का सा, बहुत पुराने पेड़ है। और आपको थोड़ा और भी दिखाता हूँ मैं, आइए सर। सीतामढ़ी जयचोरी हमारी बहुत बेहतरीन जगह है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी पहली वीडियो थी, इससे पहले आगे से जो रेंज है जयचोरी की, वहीं पे वन चौकी है जिसके अंदर से हम लोग राइट साइड से एंट्री करते हैं और उस एंट्री के बाद से हम जो रेंज सीतामढ़ी की रेंज है, उस रेंज में घूम जाते हैं जहाँ पे दापकल नदी पड़ती है। और ये देखिए सर, ये पेड़ कितने पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ यहाँ पे हैं जो भी सूख के गिर गए हैं, जंगल नए पेड़ और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी लंबाई समथिंग 70-80-90 फीट तक है, बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत अल्टीमेट जगह है। देखिए हमारे सुनील भाई थोड़ा और दिखाएंगे, धीरे एक्सप्लोर करके आइए। पानी की निकासी को देखिए, ये जो आपके जस्ट सामने है, इसी पानी को पहाड़ी क्षेत्र में लोग पीते हैं, कपड़े धुलते हैं,
बर्तन माँजना, खाना बनाना, हर चीज़ में इस पानी को यूज करते हैं। मत पहाड़ों से जो आने वाला पानी है ये पूर्ण रूप से शुद्ध पानी है, 100% प्योर पानी है। और ये देखिए छोटा सा यहाँ पे एक नहाने के लिए बना रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए सर, आप यहाँ पर आइए, इंजॉय करिए, खाइए, पीजिए, नहाइए। यहाँ आने के बाद से जो भी आपके स्विमिंग पूल हैं, जो आप टेम्परेरी होटल से बनवाते हैं, घर में बनवाते हैं, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का नेचुरल पानी आपको दिखाता हूँ। देखिए इतना बेहतरीन बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए सर, बहुत बेहतरीन जगह बना रखी है, आप इसमें नहा सकते हैं आराम से, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के लिए कि कितना नहाएंगे आप और कितना नहीं नहाएंगे। नहाइए, खाइए, फुल इंजॉय करिए। और उसके बाद से वहाँ देखिए ये जाने का भी रास्ता बना रखा है, इसे घुमाइए मत, क्योंकि जैसे छोटे बड़े डैम होते हैं, उन डैमों के पानी को निकासी के लिए जितना लेवल हमको चाहिए वो इससे खोल के इस पानी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए जिसे फाटक बोलते हैं डैम का, तो छोटा सा ये गेट है पानी को निकालने के लिए, अभी बहुत हल्का सा पानी छोड़ रखा है। और ये देखिए कुछ आपसे पूछना है, जयचौरी रेंज की रामनगर वन प्रभाग रामनगर, ये देखिए सर, बस इन चीज़ों को छोड़ के आप यहाँ फुल इंजॉय करिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आइए सर, आपको वो दोचेरी जो रेंज है, जो बन चौकी है, उसको दिखाता हूँ आपको। उससे पहले ये देखिए सर, ये जो रास्ता जाता है ये आपका जाता है कोटाबाग के लिए, इसी रास्ते से आप कोटाबाग होके रानी कोटा जाइए, बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है। आइए पहले चौकी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए पेड़ कितना बेहतरीन पेड़ है, देखिए सर हमारे सुनवाई दिखाएंगे पेड़ आपको, थोड़ा एक बे दिखाएंगे, पूरा व्यू 360 का व्यू दिखाएंगे, पूरा पूरा घुमा के दिखाएंगे व्यू यहीं से आपको हमारे सुनील भाई। देखिए ऊपर देखिए, पूरा दिखा दी सुनील जी, आपको चौकी दिखाता हूँ वन क्षेत्र की मैं। और पूरे दिन के लिए मेरा उत्तराखंड वैसे फेमस है, उससे मेरे जो हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने उत्तराखंड के लिए, ये मेरा पहला मतलब सेकंड ब्लॉग है अपने चैनल के माध्यम से, कुछ ये और अब दिखाना चाहता हूँ जो हिडन है इस समय। ये देखिए सर, UNGC है जो हमारे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करता है, जिसमें आपको यहाँ पे इस समय उत्तराखंड को तितलियों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया उत्तराखंड में, हाथी आपके हो गए, चीते हो गए, और टूरिज्म तो यहाँ फेमस है हमारे उत्तराखंड में। ये देखिए वाइल्ड लाइफ इज अ मदर नेचर प्रोटेक्शन एक वी मस्ट टेक देयर ही मेजर। ये देखिए सर वन क्षेत्र की है, वो रामनगर ये हमारे सामने चौकी है, वन क्षेत्र चौकी है, सामने गेट है पॉलगढ़ का, और इस रेंज से होते भी आप पॉलगढ़ जा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उसमें हमारा जो दबका नदी थी वहाँ का कुछ दिखाया था मैंने आपको, यही रास्ता है जहाँ से हम लोगों के जाते हैं। और ये जो आपका रास्ता राइट साइड में, इसी रास्ते हम लोग आते हैं, ये देखिए सर निकासी चौकी पावलगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए वन ए वन्य प्राणी हमारे धरोहर हैं, मैं इसमें दिखाएंगे गेट दिखा देंगे, ये देखिए सामने। और कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ मैं, जो एक छोटे से लकड़ी के बोर्ड बना रखी है, कुछ ऐसी चिड़िया हैं
पक्षी हैं जो यहाँ विशेष तौर पर आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे चित्रकारी द्वारा दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए देखिए, ये चीज़ें आपको देखने को अब तक नहीं मिली होंगी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए, ये देखिए सर मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए सर आगे दिखाएंगे बिल्कुल भाई, बहुत लंबी लिस्ट है पक्षियों की, पिट्टा पक्षी, उसके बाद रेड बुलबुल है ये, एंड देन नेक्स्ट आउल एंड वुड पिकर, कठफोड़वा, आगे सर राउत बिहाइड, आगे ये बटरफ्लाई है, कुछ बटरफ्लाई तितलियों के प्रजाति जो हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा भाई इस दीवार पे, जिसको मतलब चित्रकारी द्वारा दिखाया गया है। ये सर ऐसी चीज़ें हैं मेरे उत्तराखंड में जो लोगों को नहीं पता है, बस उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। आप आइए, खुद देखिए और इन्जॉय करिए उत्तराखंड में आके। देखिए सर ये एक वाइपर है, जिसे घोड़ा बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखा रखा है इसमें, आपको दिखाता हूँ आपको मैं। ये कोबरा है, नाग यहाँ मोस्टली मिलती मिलते हैं। देखिए ये आगे इधर, ये अजगर है, पाइथन, ये देखिए बहुत बेहतरीन कलाकृति बनाया गया है, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आइए सर और दिखाता हूँ आपको, एक मेरे जंगल है यहाँ पे, इस समय हल्का सा डिस्क्राइब किया गया है, अंदर दर्शाया गया है दीवार पे हल्का सा। आइए सर कुछ और दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो रेंज है बोर्ड लगा हुआ है, कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी जयचौरी रेंज पवनगढ़ रामनगर वन प्रभाग रामनगर, ये इनके निवास का स्थान है, मल्टी में दिखाएंगे। और सर इसके बाद से कुछ और दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत बहुत विकास पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है और बड़ा टूट गया, लेकिन इसके नीचे की जो खूबसूरती है उसे देखिए आप। सामने एक बोर्ड लिखा लगा हुआ है पवलगढ़ का, पवलगढ़ रिजर्व कंजर्वेशन, और सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गेस्ट हाउस है पवलगढ़ का, यहाँ पे आप रुक सकते हैं आके और इन्जॉय कर सकते हैं इस क्षेत्र का। और ये देखिए मैं जो पेड़ बता रहा, पेड़ के बारे में, पेड़ देखिए आप कितना विशाल है, नीचे से कितना विशाल पेड़ है। यहाँ पर पेड़ों को बहुत संरक्षित किया जाता है, उनको काटने से बचाया जाता है। कुछ और दिखाता हूँ मैं, थोड़ा मार्च में दिखाएंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। सामने की एक कॉटेज जो छूटी थी, वहाँ पर लोग हमारे जो भी टूरिस्ट होते हैं वो आपके यहाँ बैठते हैं, इन्जॉय करते हैं, और सामने और दिखाई सुन रहे हमारे वहाँ पे आराम करते हैं, वहाँ रहते हैं, सोते हैं। और यहाँ पे हर तरह की जो भी फूड और हर तरीके से यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे आइए, रुकिए, घूमिए, फिरिए पूरे रेंज में, और उसके बाद से आपने मेरी वीडियो को देखा, वॉच किया, कुछ ऐसे पल मैंने आपको दिखाए जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखे थे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहता हूँ कि आप मेरे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करिए और मुझे प्रोत्साहित करिए। मैं चाहूँगा आप इसी तरह प्यार दुआ देते रहे, तो उत्तराखंड के जो भी ऐसे अनछुए फल हैं मैं उनसे आपको रूबरू कराऊँगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, सबका खैर। और हमारे जो कैमरा मैन, हमारे मित्र सुनील कुमार जी, जो हमारा बहुत सहयोग करते हैं, हर तरीके से एक्सप्लोर कर दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं उनका भी बहुत आभार हूँ, आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।